आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक बहुत ही नवीनतम सूचना के साथ उपस्थित हूं और उम्मीद करता हूं कि ये सूचना आपके बहुत अधिक काम की है। पशु परिचर की तैयारी कैसे करें, कौन सी किताब या कौन सी गाइड खरीदें, कौन सी किताब आपको खरीदनी है, कौन सी कोचिंग से आपको तैयारी करनी है, कौन से ऐप से आपको पढ़ना है, और भी कई अन्य जानकारियां हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपसे मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप जो है वो किस तरह इसकी तैयारी करें, आप में से कौन कौन से विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं जरूर मुझे बताइएगा। हो सकता है कि आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस भी मैनेज की जाए। अगर आप यानी 1000 से ज्यादा विद्यार्थी अगर मान लो इसमें रुचि लेते हैं तो मैं निश्चित रूप से आपके लिए यानी ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था करूंगा। अगर 1000 से कम रहते हैं तो फिर तो हो नहीं पाएगा, लेकिन 1000 से ज्यादा यदि विद्यार्थी आते हैं तो मैं निश्चित रूप से आपके आपके लिए यानी तैयारी की व्यवस्था करूंगा। तो हम शुरुआत में तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि ये जो 4 प्रश्न है, इन 4 प्रश्नों के उत्तर के लिए हमें इसका सिलेबस देखना चाहिए कि सिलेबस में क्या लिखा हुआ है। देखिए, इस सिलेबस में ये बात लिखी हुई है कि पहला है, इसके ये 2 भाग है, ए और बी। ए और बी, ए में आपके 105 नंबर के सवाल आएंगे और बी भाग में आपके 45 नंबर के सवाल आएंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो ए भाग में दिया हुआ है कि राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ के साथ माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान, जिसमें दैनिक विज्ञान होगी, गणित होगी, सामाजिक अध्ययन होगी, भूगोल होगी, इतिहास, संस्कृति, कला, समसामयिक विषय, ये सभी होंगे और इसके 105 नंबर के प्रश्न आएंगे। यानी जो है एक नंबर का एक सवाल माने तो 105 सवाल मान सकते हैं। दूसरा जो है इसमें संख्या है 45, 45 प्रश्न आएंगे, 45 नंबर का आएंगे, इसमें पशुपालन से संबंधित आएंगे। तो इसमें तो आप जानते हैं कि जैसे मान लो पशुपालन से संबंधित, लेकिन ये फर्स्ट वाला है, इसमें अपन जैसे अभी मैंने आपसे कहा था कि आप कौन सी गाइड खरीदें, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपसे कहना चाहूंगा कि आप इस प्रकार करें, जैसे आप तैयारी कर रहे हैं और आपके लिए आपने देखा होगा कि इसमें यानी 10th स्तर की बताई है, तो आप चाहे गाइड कोई भी खरीदें, गाइड कोई भी खरीदें, गाइड अपने हिसाब से अच्छी बताई जाती है, लेकिन आप कक्षा 6 से लेकर के 10 तक की जो किताबें हैं, बुक्स हैं, उनको आप निश्चित रूप से पढ़ें। और यदि ऐसी कोई गाइड हो जिसमें कक्षा 6 से 10 तक के प्रश्नों का समावेश हो, संकलन हो, आप उस गाइड को निश्चित खरीद लें, क्योंकि उसमें जो टॉपिक होंगे वो आपके निश्चित रूप से आपके काम के होंगे। किताबों में से यदि आप पढ़ते हैं, किताबों में से यदि आप टॉपिक पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और एक तो वो है, वो ब्रांडेड किताबें भी होती है, यानी जो अपने बोर्ड की जो किताबें होती है, BSER बोर्ड, राजस्थान बोर्ड की ले लो, चाहे NCERT बोर्ड की ले लो, वो सारी किताबें क्या होती है, ब्रांडेड होती है। यानी उनमें क्या होता है कि जैसे ही मान लो आप जो प्रश्न याद करते हैं वो प्रश्न ऑथेंटिक माने जाते हैं, इसलिए आप उनको अच्छे से याद करें। अब बात करें कि हम कौन से ऐप से पढ़ें या कोचिंग से पढ़ें, तो आप यदि ऑफलाइन कोचिंग करते हैं, यदि आप ऑफलाइन कोचिंग करते हैं तब तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। ऑफलाइन कोचिंग यदि आप करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग की होड़ आप नहीं कर सकते। ऐप से यदि आप तैयारी करते हैं, अच्छी बात है, ऐप सारे जो इस इन टॉपिक को कवर करने वाला है तो आप अवश्य पढ़ सकते हैं। वैसे ऑनलाइन क्लासेस की का विचार तो मैं भी कर रहा हूँ, देखता हूँ अपने विद्यार्थियों में से कितने विद्यार्थी जो है वो इससे जुड़ते हैं, और जब हम करेंगे तो दोनों पार्ट ए और बी दोनों पार्ट की ही तैयारी करेंगे, दोनों पार्ट को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। और आपकी जो एग्जाम है वो अभी थोड़ा टाइम भी है, तो इसको आप सीरियसली पढ़ें। और 6 से 10 तक की जो किताबें हैं, चाहे आप मैथ्स ले लो, चाहे आप सामाजिक अध्ययन ले लें, चाहे आप उसमें से ज्योग्राफी के पार्ट ले लें, चाहे आप उसमें पॉलिटी के पार्ट ले लें, वो सारे पार्ट जो है आपको अच्छे से पढ़ने चाहिए। उनमें से प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं, और लगभग जो है उनमें से प्रश्न आते हैं, और उनमें से यदि कोई किताबें जो गाइड है उनमें से यदि है, तो आप सबसे पहले अपना सिलेबस देखेंगे, सिलेबस देख करके आप खरीदेंगे जो भी गाइड खरीदते हैं। गाइडे सभी जो एक्सपर्ट बनाते हैं अच्छी बनाते हैं, संकलन करते हैं, लेकिन आप अवश्य ही अपना यानी सिलेबस देख करके जरूर खरीदें। और आप मुझे भी बताइएगा कि आप कितने विद्यार्थी जो हैं
वो इसके लिए तैयार हैं, ताकि आप ऑर्डर देंगे, आदेश करेंगे तो निश्चित रूप से इस पर विचार किया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।